हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं स्वागत करता हूं आप सबका वाईफाई स्टडी पर। मैं दीपक सर के साथ में आज आपके सामने अल्टीमेट स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूं। ये स्ट्रेटजी किस तरह से है और क्या केवल एसएससी सीजीएल के लिए है या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है? अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो आने वाले समय में एसएससी में अपना भविष्य खोज रहे हैं। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित और संयमित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेके तैयारी करना बेहद आवश्यक है। आगे हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस माइंडसेट के साथ आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आप जानने वाले हो। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी संयम को खोए कैसे तैयारी करोगे? तो चलते हैं दीपक सर के पास, कुछ चंद बातें करते हैं, उसके बाद हम आपके लिए चीजें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताने वाले हैं कि एग्जाम डेट कब है, ये सारा चीज। तो चलते हैं दीपक सर के पास। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 2019 एसएससी के लिए फॉर्म जो हैं वो फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आप लोग भी फटाफट से, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो सबसे पहले वो लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी डेट वगैरह 22 आप लास्ट डेट, ठीक है। क्या होता है, एसएससी का साइट थोड़ा हैंग हो जाता है और फिर साथ ही साथ जो है बर्डन बढ़ जाता है, तो वो मतलब चलता नहीं है ना, कहने का मतलब है पेमेंट वगैरह में रुक जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जो है 22 तारीख तक का वेट ना करें, 20 तारीख 18 तारीख तक आप जो है अपने फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि फटाफट से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोगों को, आपके पास ट्रिगर है, आपके पास सारी चीजें हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है, और इस किस माइंडसेट के साथ आपको चलना है ये हम आपको बताएंगे, और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये सब हम बताने वाले हैं आपको। आप बेफिक्र होकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं चलता हूं सर पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है कि सर, हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस एसएससी का, कि भाई क्या है आपका। अगर अभी तक आपको नहीं पता है, तो एसएससी ने कुछ दिनों पहले ही एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था और इस नोटिफिकेशन में आपकी सारी डेट आ गई आपके सामने, सारी चीजें एक एक करके साहिल सर इनको बता देते हैं अपन लोग, ठीक है। कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22/10 से 25/11 तक आप लोग फिल कर सकते हैं, यानी कि आप लोग जो है 25 नवंबर तक आप लोग जो है आराम से फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है 25 तारीख तक का ही रहेगा, शाम के 5 बजे तक, 17 दिखा हुआ है यहाँ पे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ठीक है, 27 तारीख तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, मतलब 25 तारीख तक अगर फॉर्म फिल कर रखा है तो फी पेमेंट क्या होता है, सबसे लास्ट 27 तक, 27 तक आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन डेटों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल अपना फॉर्म आप 20 तारीख तक भर लें, यानी कि 20 तक आप अपना फॉर्म फिल कर लें, बिल्कुल। मतलब ये ना सोचे कि भाई आएगा तो भरेंगे, 25 आएगी तब करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखिए, समय की बात करते हैं कि टायर वन कब होने वाला है, आपका प्री एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो दोस्तों, 2 मार्च से लेके 11 मार्च तक आपके जो हैं प्री एग्जाम्स होने वाले, यानी कि मार्च में आपका पेपर होने वाला है। यानी साहिल सर, अगर देखा जाए तो टोटल मिला के 3 महीने इनके पास पूरे पूरे बचे हुए हैं, साढ़े तीन महीने मान लीजिए, ठीक है, 3.5 महीने आपके पास में है। आप लोग जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग डेफिनेटली 110% श्योर प्री के साथ साथ मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी चीज को डिस्कस करने के लिए साहिल सर और मैं आपके लिए लेके आए हैं ये स्पेशल इवेंट, कि हाउ टू क्रैक, हाउ टू स्टेट, ठीक है, मतलब किस तरीके से अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। तो गाइस, दीपक सर ने आपको डेट्स बताई सारी, मैं भी आपके सामने माइंडसेट की बात करना चाहता हूँ कि क्या माइंडसेट आप रखेंगे एग्जाम के लिए। माइंडसेट एक ऐसी चीज होती है कि जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, यू नो, है ना, आजकल की दुनिया में अगर हम ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज है। तो एक फोकस्ड और एक सही सॉल्यूशन मिलना बेहद आवश्यक है एक किसी भी तैयारी को अलग मुकाम पर ले जाने के लिए। कभी भी किसी भी तैयारी में अगर आप एक गुरु को पकड़ेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये किताबों में, ग्रंथों में सब जगह लिखा गया है। तो आप अपने एक गुरु को फॉलो करिए, जैसे कि हम आपके सामने सब गुरु हैं, आप जानते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं डेली, ये आपका पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन आएंगे प्री में 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ये मैं सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस में भी आपकी इंग्लिश और मतलब क्वांट और इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 400 मार्क्स तो यहां हो गए और 200 मार्क्स यहां हो गए। लेकिन अभी मैं आपसे फोकस करना चाहता हूं प्री पर,
अभी आप प्री पर फोकस करें, मेंस की तैयारी आपकी मैथ मैथ और इंग्लिश की आराम से हो जाएगी अगर आप डेडिकेटेडली इस चीज में करते हैं तैयारी। सर ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों, और मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्री में स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस क्वालिफाई करने के लिए फ्रेंड्स अच्छे से। तो प्री में आप लोगों का टारगेट जो होगा कम से कम एटलीस्ट 150 प्लस का होगा, 150 प्लस का होगा। डेट मीन्स ये होगा कि आपको मैथ और रीजनिंग के अंदर दोस्तों पूरे में से पूरे मार्क्स और डेफिनेटली 110% श्योर ये जो टारगेट रहेगा वो आप लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे और आप लोग 100 में से 100 मार्क्स डेफिनेटली 110% श्योर मैथ रीजनिंग में बटोर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो 25 क्वेश्चन जो है हम लोग 25 मिनट में करेंगे, नहीं, डेफिनेटली वो 25 क्वेश्चन हम लोग 10 से 12 मिनट के अंदर करना सीखेंगे और वो भी कम से कम टाइम पीरियड में और एक ही बार में सही विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ये सारी चीजें जो है, और मैथ्स का आप लोग जानते हैं, इंग्लिश का जानते हैं आप लोग, जो है कम से कम 250 नंबर का वेटेज रहता है, ठीक है, पूरे मेंस क्वालिफाई करने तक। एलिजिबिलिटी बता दीजिए स्टूडेंट को। एलिजिबिलिटी जो है 30 इयर्स तक के जितने भी 30 इयर्स तक जो है आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं एक बता देता हूँ, बिल्कुल, जैसे कि अगर आप कॉलेज से पास आउट हो, है ना, कॉलेज से पास आउट हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कॉलेज पास आउट होकर भी इस एग्जाम को भर सकते हो। यानी कि आपके पास कॉलेज पास आउट, तो कहने का मतलब है कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आप अपीयरिंग भी है, यानी लास्ट ईयर भी चल रहा है, तो भी आप भर सकते हो क्योंकि आपके पास अगले साल जुलाई में डिग्री आ जाएगी और जुलाई तक कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही, है ना। अगले साल जुलाई में आ जाती है डिग्री, हाँ, जुलाई अगस्त में आपको डिग्री हाथ में आ जाएगी और आप वो आता है क्या कहते हैं लास्ट में सर्टिफिकेट देते हैं आपको, उससे आपका काम चल जाएगा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर आपका चल रहा है, तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। जिस दिन आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, ये होता है। तो ये सारी चीजें आराम से चीजें क्लियर कर लीजिए आप, साथ के साथ में आपके सामने ये बहुत सारी चीजें हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है, मंत्र नहीं है और ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यानी कि जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप परिश्रम करने वाले हैं, तो ये सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप उस हिसाब से परिश्रम करेंगे। परिश्रम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। आज मजदूर भी अगर अपनी कमाई घर पर ना लेके जाए परिश्रम करके, तो वो उसके लिए उसका फल है क्योंकि उसने एजुकेशन को नहीं अपनाया। आपने एजुकेशन को अपनाया है तो एजुकेशन आपको, अगर आप एजुकेशन में परिश्रम करेंगे तो सफलता का यही मूल मंत्र है। आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी, कोई आपको टीचर आपको इस तरह से तो बता सकता है, लेकिन पता है आपको, मैं आपसे कहता हूं कि आप सबसे दुनिया के सबसे टॉप क्लास टीचर से पढ़ लीजिए, टॉप क्लास टीचर से, जहां पढ़ने के बाद हर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता हो, वो टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकता है। सारे के सारे बच्चों के एक जैसे मार्क्स आते हैं क्या? फर्क कहाँ है? आपके परिश्रम में। पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और मैं तो साहिल सर एक बात जानता हूँ कि मेहनत के दम पे हर जंग जीती जा सकती है, और मेहनत इनको करनी है। और ये चीज तो स्ट्रेटजी और मेहनत दोनों ही बहुत बड़ी चीज है कि अर्जुन की तरह आप चित केवल लक्ष्य पर केंद्रित करें, एकाग्रता ही आपको सफलता दिलाएगी, बिल्कुल। और ये एकाग्रता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है, यानी कि आप अगर एकाग्र नहीं है, लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं है, तो देखो बहुत ही प्यारी बात कही हुई है, बहुत ही प्यारी बात। सर मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा इसको, अर्जुन की तरह आप अपना चित्त केवल लक्ष्य पर केंद्रित करें, एकाग्रता ही आपको सफलता दिलाएगी। और बिल्कुल आपको एकाग्र होना पड़ेगा, अपना फोकस एक जगह पर केंद्रित करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली यहां पर आने वाली जो टीम है, जो आपको एसएससी पढ़ाने वाली है दोस्तों, वो बिल्कुल आपको यहां पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। साहिल सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, जीके और करंट अफेयर जो है भुने सर आपको पढ़ाने वाले हैं, और मैं गारंटी देता हूं आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स की डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ में दोस्तों। देखो दीपक सर, मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज मैंने सीखी है जीवन में कि जो आसान आसान जो स्टेप्स होते हैं ना, उन पे ज्यादा पहले फोकस करना, बिल्कुल, जो पहले पहले जल्दी से करा सक जल्दी से कर सकते हैं अपन। रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जो 50 में से 50 डेफिनेटली आ सकते हैं, 100%। और ये 50 में से 50 लाने के लिए आपके साथ जो मेहनत करवाएंगे वो आपके अध्यापक ही होंगे, जिनको एक्सपीरियंस है काफी सालों का, गत वर्षों का, जो आपको प्रॉपर तरीके से उनकी तैयारी करा पाएंगे और आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। और मैथ्स रही मैथ्स की बात, तो आप मैथ्स की टेंशन छोड़ दीजिए, कम से कम मान लीजिए 250 नंबर मेरे आपके साथ में मिलकर पूरे करने के लिए मैं पूरी मेहनत के लिए तैयार हूँ। और हर सर के पास भी 250 नंबर है। और मैं आपको बता देता हूँ, हर सर वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट फैकल्टी है इंग्लिश की,
और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको हर एक चीज़ वो क्लियर करते हैं। जिन चीज़ में उनकी पकड़ होनी चाहिए वो उस चीज़ में वो पकड़ बनाए हुए हैं, और भुन्ने सर के बारे में तो आप अच्छे तरीके से अवगत ही हैं। तो मैं आपके सामने चंद वीडियो दिखाना चाहूँगा कि आपने सारी फैकल्टी किस तरह से आपको तैयारी कराना चाहती है। ये देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, ये देखिए। SSC में मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मैथ के 3 पार्ट्स को, अरिथमेटिक, एडवांस और सिंप्लीफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं आपको इस कोर्स में यही चीजें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ, जो कि मैथ्स में प्री में 50 मार्क्स और मेंस में 200 मार्क्स यानी कि 250 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर, क्या क्या पढ़ना है सिर्फ 50 नंबर के लिए। दोस्तों, मेरे कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, टाइम अपने पास कम है। तो इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। SSC मेन क्वालिफाई करना है तो आप जानते हैं कि SSC प्री में स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मेरे साथ सीखेंगे वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल कम से कम टाइम पीरियड में और एक ही बार में सही करना। SSC CGL की इंग्लिश प्री 2 मींस टोटल 250 मार्क्स की है, जिसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना होता है। मेरे कोर्स में आप ग्रामर के रूल्स नहीं, लॉजिक सीखेंगे, वोकैबुलरी विद ट्रिक्स एंड यूजेस सीखेंगे, और रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपकी प्यारी फैकल्टीज तैयारी कराने वाले हैं। ये सारी फैकल्टीज है, आपको बस क्या करना है, वाईफाई SSC कोड ही यूज करना है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पे स्पेशल प्रिविलेज क्या है, देखो क्लासेस तो आपको सभी की सभी मिलने वाली हैं। स्पेशल प्रिविलेज ये है कि मैथ्स के डाउट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उनके मैं डाउट इसी कोड वाले के ही डिस्कस करने वाला हूँ, जो उन्होंने ये कोड लगाया होगा वाईफाई SSC वाला, ठीक है ना। तो पहले ही बोल देता हूँ जिससे कि आप निश्चिंत हो जाए इस चीज़ के लिए। साथ के साथ मैं आगे चलना चाहूँगा, आपको टेस्ट भी मिलेंगे इसमें, 66 टेस्ट आपके ऑलरेडी वहाँ चल रहे हैं रनिंग में, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होती है, ठीक है। साथ के साथ आपको मैं बता देने वाला हूँ कैसे लेना है। आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि लॉगिन है तो लॉग कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लॉगिन करें, अगर है तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सभी एग्जाम्स की कैटेगरी दे रखी है, ना केवल SSC, आप दुनिया के कोई भी जो बड़े से बड़े एग्जाम है जो इंडिया में कंपटीशन लेवल पर चलते हैं उनकी तैयारी आप बदस्तूर कर सकते हैं यहाँ पर। तो चूज योर गोल में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिया में जितने भी SSC के एग्जाम्स होंगे आपकी पूरी तैयारी मन लगा के किया जाएगी। साथ के साथ गेट सब्सक्रिप्शन पर आप चले जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद में आपको मात्र ₹500 पर महीने में, यानी कि 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ₹500 पर महीने के हिसाब से ₹6,000 आपके बन रहे हैं। ₹6,000, ₹500 पर महीना, ₹500 पर मंथ ओनली। अभी ये भी नहीं, आगे देखिएगा, जब आप वाईफाई SSC रेफरल कोड लगाते हो ना, वाईफाई SSC जब आप रेफरल कोड लगाते हो तो आपके जो ₹6,000 की राशि है वो घटकर ₹5,400 हो जाती है पेमेंट में। लास्ट पेमेंट आपको 5400 का ही करना है, ₹450 पर महीना हो गया, ₹450 पर मंथ। और अगर मैं एक दिन का डिवाइड करूं तो ₹15 पर डे, बिना किसी ऑटो के किराया, टेंशन नहीं, चाय नहीं, कुछ भी नहीं, से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। कहते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है मेरे भाई यार, इससे ज्यादा अफोर्डेबल और क्या होगा, एक बात बताओ आप। मयंक कह रहे सर, एक दिन में कितने बार पेड कोर्स का प्रचार करोगे, तो साफ बात मयंक ये है कि ये कोर्स आपके लिए अफोर्डेबल है, और सबसे खास बात ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे जिनको पता ही नहीं है प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आगे जाना है, के दो पहलू होते हैं आपके सामने, अगर वो पहलू देखेगा ना तो आप उस पहलू को देखोगे, लेकिन उसके नीचे एक पहलू और है, उस पहलू को देखिए कि आप अपनी तैयारी को किस अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, अगर आप रहोगे, देखो इसमें आप लोगे तो आपका फायदा होगा, आप नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ने आएंगे तो डेफिनेटली हम उसकी मन लगा के तैयारी करवाने वाले हैं और सिलेक्शन के लिए तैयारी करवाने वाले हैं। मल्टीपल कोर्स एक्सेस कर सकते हो, यानी कि एक सिंगल टीचर नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। नीरज सर आपको JEE में पढ़ेंगे तो आप JEE का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ से ले सकते हो, अगर आप JEE की तैयारी भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, है ना। तो डाउट सेशन भी आप यहाँ ले सकते हो, PDF भी आप ले सकते हो, डायरेक्ट इंट्रैक्शन होगा, PYP होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज और होमवर्क। तो ये प्रॉपर तैयारी है, और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आपको टेस्ट सीरीज भी लगातार मिलती रहेंगी। 66 तो अभी चल ही रहे हैं,
ये तो सर शुरुआत शुरुआत है, वाईफाई एसएससी रेफरल कोड लगाना। एक बार दीपक सर आप फिर से बता दीजिए इनको, तो ये कोड लगाना बहुत ही जरूरी है, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। WIFISSC इन कैपिटल लेटर्स। और बात साफ ये है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये कोर्स मैं चाहता हूँ पहली क्लास में सब स्टूडेंट मौजूद हों। ये 15 नवम्बर से स्टार्ट है और ये 15 नवम्बर आप जानते हैं कल है, और आपको आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई कैसे आपको तैयारी करनी है। कल आपको मैं बहुत अच्छे से ये क्लियर करने वाला हूँ कि क्या माइंडसेट आप रखेंगे सिलेक्शन के लिए। तो उम्मीद आपसे करूँगा कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आपको पता लगा दी जाएगी। मैं अपनी मैथ्स की बता देता हूँ, दीपक सर रीजनिंग की बताते हैं। मेरी मैथ्स की क्लास होगी शाम को 4 बजे, ठीक है, 9 बजे होगी, और दीपक सर की सुबह 9 बजे होगी। तो आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं। वीडियो आपको मिल जाएंगे हर लेक्चर के, आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी किसी भी समय जब आपको सुटेबल लगे आप लोग देख सकते हैं और जी आराम से पढ़ सकते हैं। और आप अगर कहीं कोचिंग में जाते हैं ना, तो आपको पता है कि कौन क्या करता है, किस तरीके से। आप ये अफोर्डेबल प्राइस है, आप लेके अपनी तैयारी को अलग आयाम पर ले जाइए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आपको कोई समस्या आएगी। जितना ज्यादा टाइम पीरियड का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 1 साल का लें, और आपसे यही विनती करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से अपने दोस्तों तक, जो अपनी तैयारी को अलग आयाम पर ले जा सके। और माइंडसेट आपको रखना है कि तैयारी पे फोकस करके चलना है, केंद्रित होना बहुत जरूरी है। तैयारी सिलेक्शन लेना है, बस एक बार एक फोकस करके एकाग्र होकर बस आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए, और बिल्कुल भरोसा रखिए डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन लेकर जाएंगे 2019 के SSC CGL। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा, आपने समझा होगा कि आप कैसे पाथ पर चलेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। यूज रेफरल कोड WIFISSC जिससे कि आप SSC के सभी एग्जाम इस वर्ष क्वालिफाई कर सकें और सिलेक्शन पक्का कर सकें। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।